वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। और कैसा दिख रहा है रिटायरमेंट? अब तो शुरू हुआ भाई। 40 साल मेहनत करके आए, सुकून से रहना था, कहीं उठ गए इतनी जल्दी? इतने साल से उठने की आदत है बेटा, अब वैसी हुशार हो जा रही नींद, कुछ भी नहीं करना है तो भी उठ गया देख। सही है। और कैसा दिख रहा है हैदराबाद? अभी तो आया देखो, अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसका वेट कर रहे थे कि? वो पानी वाला 10 मिनट में आ रहा हूँ बोला, आधा घंटा हो गया अब तक नहीं आया। अरे चाचू, हैदराबाद में 10 मिनट बोले तो 2 घंटे लगते जी। अरे ये क्या मियाँ? वेलकम टू हैदराबाद। अरे ऐसा? अच्छा चल, मेरे को जरा एक दोस्त के पास जाना है तो आया जरा ड्रॉप कर दे। चलो चाचू छोड़ देता हूँ, वैसे किसके पास जाना था? अरे मियाँ क्या हुआ बोले तो, 6 महीने पहले एक दोस्त को पैसे दिया मैं, 2 महीने में दे तू बोला था, अब तक अता पता नहीं है। 2 बार फोन कर रहा हूँ तो बेल हो रही, 3री बार में फोन ऑफ हो जा रहा। छोड़ दे रहे भाई। ठीक है बैठो, ऐसे जरा आपको हैदराबाद का नजारा भी दिखाया तो। चलो चलो चलो। अरे मियाँ क्या बदल गया मियाँ हैदराबाद, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग। अरे चाचू खाली आप देखते जाओ, रेटा भी बढ़ गए होंगे। नहीं मियाँ, आसमान छू रहे हैं जी रेटा, बिल्डिंग और रेटा दो भी आसमान छू रहे हैं। ओ, बहुत तरक्की पे है मसला। सही में नहीं यहाँ बहुत महंगे हो गए। नहीं देखो चाचू, कंडीशन पे डिपेंड करता। हाँ मतलब? मतलब अब आप खरीदने जा रहे हैं तो महंगा रहता, बेचने जा रहे हैं तो सस्ता रहता। और तो चाचू ये 1 लाख रुपए गज बोल रहा मालूम? 1 लाख रुपए? अरे आओ जी, वो भी क्रास है बिट बोल के बोल रहा, अगर सीधा रहता था ना 1.40। तेरे को मालूम यहाँ, मेरे को 20 साल पहले मेरा दोस्त 200 रुपए गज से ले लो बोला, 20,000 रुपए में प्लाट था मियाँ। हाँ कहाँ लियूँ, जंगल में बोल के नहीं लिया मालूम मैं। 20,000 रुपए? हाँ चाचू, अब 20,000 रुपए में छोटी से छोटी मलकी का किराया है जी खाली। सही में? अरे क्या बात करें, ले लेना था तुम जब भी। क्या तो भी रे, कहाँ तक तो भी बढ़ गया है टोली चौकी। यहाँ बस भी नहीं आती थी मालूम तुम्हारा, और झाड़ा गंदे तक रहते थे, दुनिया खत्म थी यार इधर। ऐसा बढ़ गया आप समझ में नहीं आ रहा। और चाचू अब तो टोली चौकी सेंटर ऑफ सिटी हो गया जी। हाँ चाचू, यहाँ किस्सा कैसा है मालूम? लोग इनकम से खरीद के उनको बेच के लाखों का दुनिया का कमा ले रहे हैं जी। आओ या तो वैसे जो था इतनी महंगी प्रॉपर्टी बोले तो ब्रोकर कमा लेते हैं। अरे बहुत ज्यादा। चाचू कुछ भी खा रहे हैं आप? क्या खाना है यार, यहाँ पे हर किसी की दुकान देखे तो शॉर्मा की मंदी की है। आपको मालूम यहाँ लोग बिरयानी से ज्यादा मंदी खा रहे हैं जी आजकल। अरे हम वहाँ रह के हैदराबादी बिरयानी मिस करते थे, यहाँ के लोग देखे तो मंदी खा लेते फिर रहे। अबा, क्या घर है रे भाई, मेरे को एक दोस्त यहाँ पे घर लियो बोला था रे 90s में, 5 लाख का था। जान दे रे भाई, पहाड़ पे कहाँ लेते बोल के नहीं लिया मैं, कार ले लिया था मालूम, अब क्या बोलूं देखू। अरे ये कौन सा एरिया है मियाँ, सोडान दिख रहा? वहाँ अपन नहीं जा सकते। अरे आप पासपोर्ट लाए? अरे वीजा लगाना पड़ता वहाँ जाने। क्या बात करता है तो जी, दिख रहा ना पूरे काले जे वहाँ सोडान बोलते है पैरामाउंट कॉलोनी को। हाँ यहीं से देख, दोस्त का घर रोक ले तो आगे। राइट। सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। कब आए भाई? परसों ही चाहा भाई। ऐसा बोले नहीं? चुप बैठो यार, कब से फोन आ करूं तुम्हारे को उठा रहे नहीं तुम। अरे वो अननोन नंबर से नहीं उठाता जी। मैसेजेस भी करा? बिजी था थोड़ा मैं, वही तुम अमाउंट पूछेंगे बोल के कर रहा था कॉल। अरे हाँ देने का है ना भाई। हाँ लेकिन 2 महीने बोल के दिया था, 6 महीने हो गए ना बाबा। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, देने का है बराबर देंगे। नहीं मियाँ, जो टाइम बोले थे वो टाइम पे दे दिए तो क्या है, जरा कमिटमेंट रहते हैं मियाँ। भाई 6 महीने हुए ना भाई, 6 साल हुए जैसे बात कर रहे हैं आप। क्या है कि रे भाई जरा दे दे, मेरे को काम है। अजीब है यार, हमें को समझ में नहीं आ रहा, अपने पैसे वापस लेने के ऐसे लोगों को सुनाना पड़ रहा है, जरूरत है देना है करना है। फोन पे मार दे रहा हूँ तुम्हारे, फोन पे मार दे रहा हूँ। फोन पे वो क्या रहता? अरे मोबाइल पे भेजता हूँ जी पैसे तुम्हारे को मई। अरे नको रे भाई, वो मेरे को नहीं समझ में आते सब चीजा, कैश दे दे मेरे को। ठीक है राइट 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 राइट। क्या दिया पैसे?
चल मैं खामोश। अरे एक प्लॉट लिया था रे भाई 15 साल पहले, अब तक दिखाया नहीं एजेंट। तो मैं कब से फोन आ कर रहा हूँ मालूम? हाँ अरे दिखाया तो उठाता ही नहीं मियाँ फोन। अरे तुम्हारे को मालूम रहना ना जी, पहले देने से पहले देख लेना जी। अरे मियाँ पहले ने कैसा करता था मालूम, घड़ी घड़ी फोन करता था, आधी घंटी में फोन उठाता था, आधी रात को मैसेज करे तो सब बोला था भैया बोलो भैया करता था मालूम। लिया प्लॉट 15 साल से गए आदमी। अरे दिखा रहे भाई कहाँ ली मेरी जमीन, कहाँ बता बोले तो नहीं बता रहा। मैं तुम इतने बार भेजे मेरे को ऑफिस पे, उसकी कभी भी नहीं था उन्हें ऑफिस पे रहते ना फोन उठाते, कई बढ़ते कारोबार समझ में नहीं आता हमें। ऐसी चीज़ जी पूरे यहाँ तुम ब्रोकरों के पीछे कहीं नहीं क्या समझ रहा हूँ मैं, बाहर समझ रहा। अब जरा जाके इसके घर पे बता दो। ये देखो ये उसकी ऑफिस। रोक दे रोक दे रोक दे रोक दे, चले आता हूँ मैं। हल्लू पीछे से जाना पड़ता तो देखो फोन कर रहा हूँ मैं, इधर आ जा बट लो। हाँ मैं आ रहा हूँ फोन मार लो। आज तो तेरे को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं प्लाट दिखाए बगैर। भाई तुम्हारे को प्लाट दिखाने के लिए आया ना इधर, बेच रहे क्या? अरे पहले दिखा यहाँ सही से प्लाट। अरे भाई यही देखो तुम्हारा प्लाट, तुम उतरो दिखा दो मैं तुम्हारा प्लाट। उतर उतर। ये देखो तुम्हारा प्लाट ये है। हाँ तालाब है ना मियाँ? अरे भाई बारिश पड़े इसलिए भरा हुआ है, अब धुपकाला हुआ तो सूख जाता। तू क्या बोलना चाह रहा? मैं यहाँ घर बना के बारिश होते कि चले जाऊँ, फिर गर्मी आते कि जाके रहूँ घर में। क्या मजाक करते भाई, छोड़ो कितने में निकाल रहे बोलो ये प्लॉट? कितने आते बोल तू? 7-8 लाख रुपए आते। 15 साल पहले 5 लाख में लिया मैं प्लॉट में। अब भाई 15 साल पहले लिया बोल के तो आपको 3-4 लाख रुपए तो लग के आ रहे ना। मेरे को दुकान के पास छोड़ चल। ठीक है चल मैं। अच्छा आ जा तू देख लिया प्लॉट? चल मैं। चल चल। अरे क्या आवाज है अपसेट दिख रहे? क्या बोलूँ मैं दिल बैठ गया उसका। ये ऐसे रहता चाचू क्या कर सकते, बैठो अल्लाह करी में। चाचू एक सेकंड फोन आ रहा। हेलो हाँ मैडम। अरे नहीं मैडम बंदे तो एक 3-4 दिन में बंदे तो। नहीं 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 मैडम थोड़ा परेशान था, बंदे तो मैडम 3-4 दिन में। हेलो हेलो मैडम। हेलो 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 बैठो बैठो कुछ भी नहीं। अरे बोल मियाँ क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं चाचू, वो गाड़ी की EMI बनने का था, वो 3-4 महीने से नहीं बना, चेक बाउंस हो गया थे, गाड़ी लेके जाते बोल के फोन आ कर रहे हैं। कितने मियाँ कितने बनने का है? अरे बैठो जी तुम्हारे को। अरे बोल मियाँ कितने बनने का है? 20,000 रुपए ज्यादा नहीं है। अब मैं दे दूं तेरे को बंदे? अरे नको चाचू रहने दो। अरे क्या? अरे तू मेरे को बाद में दे दे बंदे, गाड़ी लेके चले गए तो काम कैसा होता है बोल। ठीक है चाचू मैं एक हफ्ते में दे दूं आपको कैसा? हाँ ठीक है ठीक है दे दे। वो मेरे को जरा बिल्डर के पास छोड़ दे। बिल्डर के पास? हाँ। अरे अब ये बिल्डर के पास कहीं कुछ? अरे ये बिल्डर को जो है मैं फ्लैट कंस्ट्रक्शन करके हस्ती दिया रे भाई। ऐसे बात करा भाई मैं ऐसा बनाता हूँ वैसा बनाता हूँ बोला, क्या की क्वालिटी डाला, आईलू पकड़े तो गिर आ रहा, नल बोले तो टूटी हाथ को आ जा रही, फ्लोरिंग में ऐसा हवा है पूरी मारे तो लप्पू मार ले रहा, समझ में नहीं आ रहा यार लोग कैसा बोलते कैसा करते। कौन सा तुम नया फ्लैट जो लिए बोले थे? हाँ वही चीज। अब बाबा दिखने में अच्छा है दिखता ना जी वो पूरा बाहर से? अरे वो बाहर से दिखता रे भाई, यूज करे तो समझ में आता यहीं से रोक दे। और बेटा सुन मैं यहाँ से चले आता हूँ। हाँ ठीक है घर को चले आता हूँ। ओके कल मिलो तुम। ठीक है मेरे को फोन कर लो चाचू कुछ भी जरूरत पड़ी तो। मैं फोन कर ले तुम। कौन सा यहाँ आगे वही से ना? यहीं से यहीं से। रोक दो तुम। सलाम अलैकुम भाई। अरे वालेकुम सलाम। और क्या भाई बैठो बैठो। परसों भी चाहा भाई। अरे काई को आ गए जी तुम? आ गया यार बस क्या बच्चे बड़े हो गए समझ में नहीं आया तो मेरे को ऐसा दिखा कि अब चले जाना सही रहता तो आ गया। समझ सही है सही है। अपना जो वो 201 फ्लैट है उसका काम सही नहीं हुआ जी भाई। अरे काई को जी भी क्या हुआ? अरे भाई हाथ से पकड़ के निकाले तो टाइल निकल गई, नल खोले तो टूटी हाथ को आ गई और बारिश हुआ तो पूरा पानी अंदर आ रहा। अरे वो छोटे छोटे चीजें रहते भाई देख लेने का रहता। भाई मैं आपको पैसे देते खुद ही बोला मेरे को ये सब चीजें सही होना बोल के तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे लिए फिर भी सही काम नहीं करे। अब वो मिस्त्री काम ढीला कर दिया भाई जरा। आप मेरे को क्या बात दिए थे भाई? भाई मैं अपना घर जैसा बनाता हूँ बोले, आपका घर ऐसी चाहिए भाई? अरे नहीं भाई। फिर बोले से बात की वैल्यू रख लेना भाई, हम लोग वहाँ रह के जो है बहुत भरोसे से आप लोगों को पैसे भिजाते भाई चीजें सही होना बोल के। अब आप किसको तो भी रख लेना था अपनी साइड से भी देखने के वास्ते। अरे भाई वैसा कोई भी नहीं है बोल के मैं आपको दिया ना भाई, वैसा रहता तो मैं खुद ही बना लेता था। अब वो बोलते भाई वैसा लेकिन निकलते कुछ तो भी काम। आप जाएगी भाई मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई भाई देख के। अरे अब वो सब छोड़ो भाई, एक जबरदस्त फ्लैट आया बिकने के वास्ते, लेते तो बोलो जबरदस्त है। अरे
मैं तेरे को तो जरी तेरे में पहचाने नहीं, वो तेरा स्माइल है देख, तू हंसे देख, उससे पहचाने मैं। अब बोल मेरे को 30 साल के बाद हैदराबाद को आए, अब तेरे को कैसा लग रहा है हैदराबाद? कैसा दिख रहा हूँ वहाँ? बचपन के दिन तो वो थे, जवानी पूरी कमाने में उसमें निकल गई। अब ऐसा लगा कि भाई कमाने कमाने में पूरी उम्र गुजार दे रहे, बच्चे बड़े हो जा रहे बोल के। अब आए तो ऐसा फील हो रहा कि मेरा आना उतना मैटर नहीं करता था, बच्चे बड़े हो गए। अपने बचपन में तो भी एटलीस्ट अपन जो है ना माँ बाप को जो है पैसे पूछने तो भी एक घंटा बैठते थे उनके आस पास, उनके कामा करके जो है पैसे लेके जाते थे। आजकल बच्चे फ़ोन पे कर दो बोल के निकल जा रहे भाई। तो आने का मेरे को ऐसा दिख रहा उतना फ़ायदा भी हुआ नहीं, लेकिन क्या है बस अब अपने लोग अपने पुराने दोस्ता मिल लेके खुश हो जा रही समझो। वो सब दिल पे नक्कल है भाई, तो छोड़ वो सब। तेरे को याद है वो अपन झाड़ के पास खड़के पत्थर पे के जामा पे के मार देते थे कितना अच्छा आबो हवा रहता था, चूड़िया बू काट देते, पूरा जमीन खाला खाली रहता था। अब देख पूरा कैसा हो गया देख। अरे एक बार उन्होंने अंकल पकड़ लिए थे, अपन पत्थर मारे थे, अपन भाग रहे थे, गिर गए थे। मैं भी वो जब वो जमाना जमाना था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। अच्छा वो सब छोड़ो भाई, और कितना कितना पुराना दोस्तों से मिले तो? अरे सबसे मिला माशाल्लाह, सब जने बहुत बड़े बड़े हो गए भाई। बड़े बड़े बात आ रही है, बात इससे कल तेरे को वो खिला तू ये खिला तू बोल के बड़ी बड़ी होटल ले जा रहे, लेकिन बिल हमें देना है, हम बाहर से आए ना भाई। और एक से एक गाड़ी लाके बता रहे तू आ नहीं फिर आऊंगा तेरे को यहाँ, एक से एक गाड़ी में फिराते हिल गए ले आ रहे। कहाँ तो जाएंगे बोले तो पेट्रोल हम ही चलाना देते, बोलता तू बाहर से आए ना। हाँ सही है भाई, बाहर से आए तो खर्चा करना क्या। हाँ वो लोगों के पास बड़े बड़े गाड़ियां है तो वो लोगों के पास डालने का कुछ भी नहीं है। अरे बड़ा उत्तर 30 साल के बाद आया हमारा भाई जरा दोस्त है बोल के थोड़ा बहुत खर्चा करने के वास्ते आगे पीछे होते। दिल रहना जी कुछ भी नहीं, दिल रहना, गाड़ी रहना, गाड़ी रहना बड़ी बात नहीं है, पेट्रोल डलाना बड़ी बात है। हाँ कहीं को बोलते तुम बाहर से आए बोल। हाँ। ये डाला वो ऐसा करते मालूम है लोग कह रहे, अरे भैया कार्ड नहीं लाए, पर्स नहीं लाए, जरा डाल दो मैं तेरे को काट देते। आजकल ये चल रहा भाई, फोन पे करते गूगल पे करते फिर बाद में बोलते सर्वर डाउन बोलते। और आजकल यहाँ पे जबान का कुछ भी नहीं है मामा, 10 मिनट में आता हूँ बोलता 2 घंटे के बाद आता, ऐसा बना के देता हूँ बोलता कैसा की बनाता मालूम। सही बात बोले भैया, आजकल पेपर पे लिख लेना 100 बट का आज का 1 बट का रहता। बिल्कुल सही है, आजकल ये चाहे पेपर वर्क कर लेना अच्छा रहता। हाँ 100 बट का 1 लिखा रहे भाई। हाँ। लिख लेना। इतने बातों में मेरे को एक बात समझ में आई रही भाई। हाँ। आप इतनी दूर जाके देश से अपने रिश्तेदारों को छोड़ के अपनी फैमिली से दूर रह के अपने बच्चों से दूर रह के उनके दुख दर्द में आप उनके साथ नहीं रहते, दावतों में नहीं रहते, ये सब चीज़ आप छोड़ के जो है वहाँ कमाते कुछ फ़ायदे का नहीं है मालूम। अगर आपका कोई यहाँ पे वेलविशर नहीं है, आपका कोई अच्छा चाहने वाला अगर यहाँ पे नहीं है ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ से कमा के यहाँ से बेच के पैसे मालूम। सही बोले भैया, तो बिल्कुल सही बोले, 100% सही बोले। तो वो टाइम पे तू मेरे को मशवरा दिया था भैया ये घर ले लो अच्छा है बोल के, वो जब टाइम पे मैं ले लिया बोल के वो आज तक रह गया मालूम। अरे तू मेरा छड्डी दोस्त बेस्ट फ्रेंड है रे पापा, दोस्त है क्या? सही बोला। चल एक काम करेंगे, दोस्ती खराब कर लेंगे अपन, 10,000 रुपए दे। क्या बात करता रे भाई, अरे पैसों से याद आ रहे मेरे भतीजे को 10,000 रुपए दिया था भाई, 10 ने 20 दिया था, एक हफ्ते में दे दूं बोला था, फोन करेंगे। क्या हो गए? 2 बार बेल हुई, 3री बार ऑफ होगा।